ओम शांति। हम सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं भगवान आकर हमें इतना ऊंचा उठाएगा और कहेगा कि बच्चे तुम विश्व का कल्याण करो। हम तो केवल अपने कल्याण की ही सोचते थे, वो भी नहीं कर पाते थे, लेकिन बाबा ने हमारा लेवल इतना ऊंचा उठा दिया। अपने भाग्य पर जरा गर्व करें। हमें उसने आकर याद दिलाया, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी के दुख हरने हैं, ये सारा संसार तुम्हारा परिवार है। हम अपने से पूछें, क्या हमने अपने अंदर ऐसी श्रेष्ठ भावना धारण की है? बाबा ने हमें स्पष्ट कर दिया, तुम्हें ही सबको दुखों से दूर करना है, तुम्हें ही सबका कल्याण करना है, तुम्हें ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है। तुम आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त हो। तो सोचें, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, क्या वो कभी व्यर्थ में रह सकते हैं? कदापि नहीं। दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी कंपनी का हेड, क्या वो छोटी बातों में अपना समय व्यतीत करेगा? क्या वो व्यर्थ सुनने में सदा बिजी रहेगा? क्या वो सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहेगा? क्या वो व्यर्थ की गपशप में अपने अनमोल समय को नष्ट करेगा? कदापि नहीं। हमारे ऊपर तो स्वयं भगवान ने जिम्मेदारी रखी है, तो जरा एकांत में स्थित होकर अपने से बातें करें, क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? हमें सारे संसार का कल्याण करना है। हम किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, बदले की भावना, किसी को दुख देने की इच्छा, किसी को गिराने की इच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि जिन्हें हम गिराएंगे, जिन्हें हम दुख देंगे, जिन्हें हम डिस्टर्ब करेंगे, उनका कल्याण पुनः हमें ही करना पड़ेगा। तो हम स्वयं को भरपूर करें, स्वयं को महान बनाएं, हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, सबके लिए कल्याण की भावना धारण करें। हम अपनी महानताओं को पहचानें, अपने हृदय को इतना शुद्ध करें कि किसी के लिए भी हमारे चित्त में अशुभ भावनाएं ना हों, निरंतर हमसे शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस सारे ही संसार को मिलते रहें। बस यही हमसे बाबा चाहता है और यही हमें निशी दिन करते चलना है। परिस्थिति जीवन में चाहे कितनी भी आ जाएं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम स्मृति स्वरूप होकर रहें। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यकता होगी बार बार अभ्यास करने की। अगर हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमें सब कुछ भुला देंगी, विस्मृत कर देंगी। क्या क्या स्मृति में रखना है हमें? परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, ये परिस्थिति आई है मुझे और पावरफुल बनाने के लिए, ये चैलेंज मेरे सामने आया है। और पांचवी बात ध्यान रखें, ये परिस्थिति भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह यदि हम अपने चित्त को सरल करना सीख जाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं पाएगी। आज सारा दिन हम सारे संसार के कल्याण के लिए सकास देने का काम करेंगे और ये दोनों स्वमान सारा दिन प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, अब मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तो कैसे देंगे? मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, बहुत पवित्र हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। परमधाम से पवित्रता के सागर बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं।
और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। संकल्प कर दें, सभी को सुख शांति प्राप्त हो, सभी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए। आज सारा दिन यही अभ्यास चालू रखेंगे। ओम शांति।